Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to start our lesson number 3 of subject science. Okay, lesson number 3, class 4 of subject science. And the name of the topic is digestion. What is the name of the topic? Yes, it is digestion. Okay, it is our lesson number 3. Now open your books. Okay, page number 20, and as I told you earlier, the name of the chapter is digestion. It's on page number 20. Okay, first of all, as you all know, humans and other animals, jitne bhi insaan hain aur jitne bhi janwar hain, नीड फूड एंड वाटर टू लिव. उन्हें ज़िंदा रहने के लिए किस चीज़ दो चीज़ों की ज़रूरत है, फूड यानी कि खाना एंड वाटर यानी कि पानी. ओके, नाउ एनिमल्स टेक इन फूड एंड वाटर थ्रू द माउथ. एनिमल्स जितने भी हैं वो खाना खाते हैं, वो कहाँ से लेते हैं, वो कहाँ से उनका खाना खाते हैं, फ्रॉम देयर माउथ. ओके, द थर्ड वन, फूड कंटेन. फूड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाइटमिन्स एंड मिनरल्स, दे नीडेड बाय द बॉडी. ओके, फूड कंटेन प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाइटमिन्स एंड मिनरल्स विच इज़ नीडेड बाय द बॉडी. एंड द लास्ट वन, द स्टमक. स्टमक इज आर, यस, हमारा जो पेट है, आर टमी. द स्टमक एंड द चैनल्स through which food passes are called the digestive system. उसे वो हमारा stomach और जो पूरा जो एक वो है, पूरा एक जो process है, ये पूरा जो एक हमारा system है, channel को हम कहेंगे system है, through which हमारा खाना जो है pass होता है, are called digestive system. उसे हम क्या कहते हैं, digestive system. These are some important recall points which we have studied earlier. Okay, नाउ कम टू टीथ. टीथ एज यू ऑल नो, हमारे दांत. ओके, अ बेबी इज़ बॉर्न विदाउट टीथ. जब कोई बेबी पैदा होता है तो उसके मुँह में टीथ नहीं होते. विदाउट टीथ यानी कि टीथ नहीं होते. टीथ ओनली बिगिन टू ग्रो आफ्टर द बेबी इज़ अ फ्यू मंथ्स ओल्ड. जब बेबी कुछ महीने का हो जाता है तो उसके मुँह में दांत आना शुरू हो जाते हैं. एंड अ बेबी इज़ बॉर्न, इट कैन नॉट च्यू सॉलिड फूड्स. जब बेबी छोटा होता है तो वो कोई भी फूड को, सॉलिड फूड को च्यू नहीं कर सकता, यानी कि चबा नहीं सकता. बिकॉज़ क्यों, बिकॉज़ क्योंकि उसके पास दांत ही नहीं होते. इट कैन ओनली फीड ऑन मिल्क एंड अदर लिक्विड्स. और वो सिर्फ क्या पीता है, मिल्क पीता है और लिक्विड जो अलग टाइप के हैं उस पर डिपेंडेंट होता है. व्हेन इट ग्रोज़ अ लिटिल ओल्डर, जब थोड़ा सा बड़ा होता है, अ बेबी नीड्स टीथ टू ईट सॉलिड फूड, तो उसे दांत की ज़रूरत होती है ताकि वो कुछ सॉलिड फूड को खा सके. एट द एज ऑफ अबाउट 3, जब वो 3 साल का हो जाता है, कि हाउ मेनी ईयर्स, 3 ईयर्स, अ चाइल्ड हैज़ अ सेट ऑफ 20 टीथ. तो तकरीबन उसके मुँह में कितने दांत आ जाते हैं, 20. दीज टीथ आर कॉल्ड बेबी टीथ और मिल्क टीथ. और उन दांतों को क्या कहते हैं, हम बेबी टीथ भी कहते हैं और मिल्क टीथ भी कहते हैं. ओके, एज As you see in this picture, baby with no teeth. जब छोटा होता है तो उसके पास, उसके मुँह में कोई भी teeth नहीं होते. Now child with milk teeth. जब 3 साल से ऊपर की अबव हो जाती है उसकी एज, तो उसमें उसके पास जो है वो milk teeth होते हैं. ओके, एंड देन परमानेंट teeth स्टार्ट अपियरिंग एट एज 6. और जब 6 साल, 6 ईयर्स अबव एज होती है, तो उसके मुँह में जो है वो परमानेंट teeth आने लगते हैं. ओके, तो दीज आर द 3 स्टेजेस, 1, 2 एंड 3. नाउ कम टू टाइप्स ऑफ टीथ. कितने टाइप्स के टीथ होते हैं हमारे मुंह में. एट द एज ऑफ 6, 6 साल की उम्र में, एज आई टोल्ड यू, द मिल्क टीथ स्टार्ट टू फॉल आउट. हमारे मुंह में से मिल्क टीथ जो होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं. एंड न्यू टीथ अपेयर इन द गैप्स, और नए दांत आने लगते हैं. देर आर 32 टीथ इन द सेकेंड सेट. और जो सेकेंड सेट होता है, परमानेंट सेट, इसमें कितने दांत होते हैं, 32. क्योंकि मिल्क टीथ में 20 होते हैं और
इसमें जो परमानेंट टीथ हैं वो 32 होते हैं, विच आर कॉल्ड परमानेंट टीथ, और इन्हें हम क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ। इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर प्रॉपरली, अगर इसकी अच्छी तरीके से देखभाल इन दांतों की जाए, इनको टेक केयर अच्छी तरीके से किया जाए, दे विल लास्ट आर लाइफ टाइम, तो ये सारी ज़िंदगी जो है वो सही रहते हैं। ओके, द टीथ एट द फ्रंट ऑफ द माउथ आर यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड, वो टीथ जो आपके माउथ के बिल्कुल सामने की तरफ होते हैं, फ्रंट की तरफ होते हैं, दीज एट टीथ विच कट फूड आर कॉल्ड इंसिजर्स, वो आठ टीथ जो कि चार ऊपर और चार नीचे होते हैं जो आपके खाने को कट करते हैं आर कॉल्ड इंसिजर्स, एज यू सी इन दिस पिक्चर। ओके, दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, द फोर टीथ इन फ्रंट अपसाइड डाउन, 1, 2, 3, 4 एंड द फोर टीथ हियर, 1, 2, 3, 4, दीज आर कॉल्ड इंसिजर्स। ओके, दीज टीथ आर कॉल्ड इंसिजर्स एंड दे आर यूज टू कट फूड। ओके, इंसिजर्स आर यूज टू कट फूड, 4 हियर अपवर्ड एंड 4 डाउनवर्ड, इट इज़ फाउंड इन द फ्रंट ऑफ आर माउथ। ओके, नाउ द पॉइंटेड टीथ बिसाइड योर इंसिजर्स, इंसिजर्स के बिल्कुल बराबर में जो पॉइंटेड यानी कि नोकीले टीथ होते हैं आर कॉल्ड केनाइन टीथ। अगेन एज शोन इन दिस पिक्चर, दीज फोर टीथ इंसिजर्स, देन आफ्टर दिस पॉइंटेड टीथ दीज आर केनाइन टीथ, एज यू सी देयर हेयर ऑल्सो एंड अपर्स हेयर ऑल्सो, दीज पॉइंटेड टीथ आर कॉल्ड केनाइन टीथ, दे आर वेरी शार्प एंड दे हेल्प टू टेयर फूड। ओके, दे आर वेरी शार्प, बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं और ये आपके फूड को टेयर करने में, तोड़ने में आपकी मदद करते हैं। देर आर फोर केनाइंस, 2 इन ईच जॉ, हाँ दोनों जॉज में, अपर जॉ और लोअर जॉ में दो दो केनाइन टीथ्स होते हैं, 1, 2, 1 and 2। ओके, तो 4 केनाइन टीथ्स इन बोथ जॉज, 2 इन अपर जॉज एंड 2 इन लोअर जॉ। ओके, नाउ द बिगर फ्लैटर टीथ, जो बहुत बड़े और चौड़े, फ्लैटर यानी कि चौड़े टीथ होते हैं एट द बैक और जो बिल्कुल माउथ के अंदर की तरफ होते हैं आर कॉल्ड मोलर्स एंड प्री मोलर्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, मोलर्स एंड प्री मोलर्स, दीज आर यूज टू ग्राइंड एंड च्यू फूड, ये जो है यूज़ होते हैं आपके खाने को ग्राइंड करने में, उसको च्यू करने में, चबाने में, उसको पीसने में मदद करते हैं, दे आर द टफेस्ट टीथ और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, एज यू सी इन दिस पिक्चर, दीज प्री मोलर्स, After canine there are premolars, okay, both on the upper jaw or in the lower jaw, and after the last one molars, okay, see these are the molars, both they are molars and these are premolars, okay, so premolars and molars are at the back of the jaws and they are the strongest and toughest teeth of all. And they are used to grind and chew food, which are, yes, premolars and molars. Okay, see this diagram carefully. Okay, I'll repeat 4 types of teeth. First one is incisor, which are present in the at the front of the mouth, 4 in the lower jaw, 4 in the upper jaw. Now second one is canine, the pointed sharp teeth, 2 in the upper jaw, 2 in the lower jaw. Then premolars and molars, okay, they are at the back of our jaws, they are the toughest, strongest teeth and they used to grind and chew food. Okay, now looking after your teeth, हमें अपने दांतों का ख्याल कैसे करना चाहिए, looking after your teeth, if you look after your teeth properly, अगर हम अपने दांतों का अच्छी तरीके से ख्याल रखेंगे, they will last a long time, तो वो बहुत long time तक रहेंगे बिल्कुल ठीक। When you eat, जब हम खाना खाते हैं, small bits of food, छोटे छोटे ज़र्रात जो होते हैं खाने के, can get stuck between your teeth, वो आपके दांतों के बीच में जाके फंस जाते हैं। The bits can be cleaned away by using a toothbrush, toothpaste
and water. Okay. इन ज़रात को, इन जो है वो फूड पार्टिकल्स को क्लीन किया जाता है बाय यूजिंग टूथब्रश, टूथब्रश के ज़रिए, टूथपेस्ट के ज़रिए, ओके, बाय यूजिंग अ टूथब्रश, टूथपेस्ट एंड वाटर. इन तीनों चीज़ों की मदद से आप अपने दांतों को क्लीन कर सकते हैं. सम पीपल यूज़ अ नीम ट्विक और टूथ पाउडर. कुछ लोग जो है वो नीम ट्विक भी यूज़ करते हैं, कुछ लोग टूथ पाउडर यूज़ करते हैं, कुछ लोग मिसवाक यूज़ करते हैं. अलग अलग वेज ऑफ क्लीनिंग योर टीथ. ओके. समटाइम्स द टीथ गेट कवर्ड विद अ थिन स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स. अक्सर ऐसा होता है कि आपके दांतों पर एक थिन, बारीक सी, स्टिकी सी, चिकनी सी लेयर आ जाती है ऑफ जर्म्स. दिस इज कॉल्ड प्लाक. और इसे हम क्या कहते हैं? प्लाक कहते हैं. ओके. मोस्ट पीपल हैव जर्म्स इन देयर माउथ. और अक्सर लोगों के मुंह में जर्म्स भी होते हैं. जर्म्स आर वेरी डिफ़िकल्ट टू सी बिकॉज दे आर सो स्मॉल. और वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम उसे देख नहीं सकते. यू मस्ट ब्रश योर टीथ केयरफुली. हमें बहुत केयरफुली अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए टू गेट रिड ऑफ प्लाक, ताकि हमारे दांतों पर प्लाक की लेयर जमा ना हो. ओके. सो वी शुड ब्रश आवर टीथ वेरी केयरफुली. ओके. नाउ शुगर एंड प्लाक टुगेदर फॉर्म एन एसिड. जब कोई भी मीठी चीज़ हम खाते हैं तो जो शुगर है, चीनी, जो मीठा, एंड प्लाक टुगेदर जब मिक्सअप होते हैं तो फॉर्म एन एसिड. तो वो क्या बनाते हैं हमारे मुँह में? एक एसिड बनाते हैं. एसिड कैन मेक स्मॉल होल्स इन द इनेमल दैट कवर्स द टीथ. और वही एसिड हमारे दांतों में छोटे छोटे होल्स बना देता है. वेन जर्म्स एंटर द होल्स. और जब जर्म्स उन होल्स में एंटर होते हैं, द टीथ बिगिन टू रॉट और डिके. तो हमारे जो दांत हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं. ओके. दिस कैन कॉज पेन. और इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है. द ओनली वे टू स्टॉप डिके इज़ टू विजिट अ डेंटिस्ट. हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए. अ डेंटिस्ट विल फिल द होल्स विद फिलिंग. अगर आपके दांतों में होल्स हो जाएं या कैविटी हो जाए तो आपको फ़ौरन डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए. और डेंटिस्ट विल, वो क्या करेगा? वो उन होल्स को फिल कर देगा विद द फिलिंग्स, जिसके ज़रिए मज़ीद जर्म्स अंदर नहीं जाएंगे और आपका पेन जो है वो स्टॉप हो जाएगा. ओके. नाउ डू यू नो स्टूडेंट्स, cats have 30 teeth. How many teeth? Yes, 30 teeth. Cats have 30 teeth. Dogs have 42. Dogs के कितने हैं? 42. Cats के कितने हैं? 30. But the land animal with the most teeth is the armadillo. ज़मीन पर रहने वाला जानवर जैसे कि armadillo, it has as many as 104 teeth. कितने हैं होते हैं उसके? 104. उसके मुंह में 104 टीथ होते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा अब तक की अमाउंट है. ओके. नाउ वी रीड हाउ वी डाइजेस्ट फूड. हम अपने फूड को डाइजेस्ट कैसे करते हैं? ओके. द फर्स्ट पार्ट विच इज़ यूज इज़ आर माउथ. ओके. द फर्स्ट थिंग, यू टेक फूड इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ. जो हम सबसे पहले खाना इनटेक होता है हमारे बॉडी के अंदर, जो जाता है थ्रू आर माउथ, हमारे मुंह के ज़रिए. ओके. फूड इज़ च्यूड इन द माउथ. हमारे मुंह में हम उस फूड को च्यू करते हैं. यू यूज़ आर टीथ टू टीयर एंड ग्राइंड हार्ड फूड. इसके बाद हम अपने टीथ को यूज़ करते हैं टू टीयर एंड ग्राइंड. हम अपने टीथ की मदद से उस फूड को टीयर करते हैं, तोड़ते हैं, ग्राइंड करते हैं एंड मेक इट इंटू अ पेस्ट. और उसका क्या बना देते हैं हम? च्यू कर करके उसका एक पेस्ट बना देते हैं. द टंग हेल्प्स टू मिक्स द फूड विथ सेलवा. और हमारी टंग जो है वो हेल्प करती है टू मिक्स द फूड विथ सेलवा. पार्ट टू, सेलिवरी ग्लैंड्स. व्हाट आर सेलिवरी ग्लैंड्स? सेलिवरी ग्लैंड्स इन द माउथ प्रोड्यूस सेलवा. ये हमारे मुँह में होते हैं जो कि सेलवा को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं. सेलेवा सॉफ्टन्स द फूड. ये हमारे फूड को सॉफ्टन करता है एंड स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ स्टार्चेस. ओके. एज यू स्वेलो योर, जैसे स्वेलो यानी कि हम जब निगलने लगते हैं उस फूड को, योर टंग पुशेस फूड डाउन इनटू योर थ्रोट.
तो हमारा जो हमारी जो टंग है वो हमारे फूड को जो है पुश कर देती है हमारे थ्रोट के जरिए, गले के जरिए, थ्रू आर स्टमक. ओके, तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स. इट प्रोड्यूस सेलिवा. नाउ द थर्ड वन, द थ्रोट. द थ्रोट लेट्स इनटू अ ट्यूब कॉल्ड द फूड पाइप. थ्रोट जो है वो कहाँ पे होता है, लेट्स, उससे जॉइंट होती है एक ट्यूब कॉल्ड द फूड पाइप. ये हमारा माउथ है, देन आर थ्रोट जो हमारा गला, एंड उससे एक कनेक्टेड एक ट्यूब होती है जिसे हम कहते हैं विंड पाइप. क्या कहते हैं, विंड पाइप. पोर्शंस ऑफ द पाइप कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स ऑल्टरनेटली. इस पाइप के जो पोर्शंस हैं वो थोड़ी थोड़ी देर में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यानी कि सुकड़ते हैं, एंड रिलैक्स, रिलीज होते हैं. ओके, जस्ट लाइक अ पंप. टू पुश द फूड फॉरवर्ड इन द टाइम इट एंटर्स योर स्टमक. और इस तरह आपके फूड को पुश करते करते वो कहाँ तक ले आते हैं, आपके थ्रोट, माउथ से, देन थ्रोट, देन दिस ट्यूब, एंड देन टू द स्टमक. ओके, तो दिस ट्यूब कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स अल्टरनेटली टू पुश द फूड फॉरवर्ड, एंड इन टाइम इट इज एंटर टू योर स्टमक. दिस इज योर स्टमक. ओके, नाउ नंबर फोर, द स्टमक इज अ बैग मेड ऑफ मसल्स. स्टमक क्या है, जो आपका पेट, इज एक जस्ट लाइक अ बैग विच इज मेड अप ऑफ मसल्स. ओके, इट कैन स्टोर फूड फॉर सेवरल आवर्स. और उसमें आपका जो खाना, जो आपने फूड खाया होता है, वो चंद काफ़ी सेवरल आवर्स यानी कि कुछ घंटों तक स्टोर रहता है. द स्टमक रिलीजेज जूसेस. स्टमक में कुछ ऐसे जूसेज, हमारा जो स्टमक है वो कुछ ऐसे जूसेस को रिलीज़ करता है, प्रोड्यूस करता है, एंड एन एसिड्स, और एसिड्स को भी. ओके, द जूसेस आर कॉल्ड डाइजेस्टिव जूसेस. और उन जूसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस विच आर स्टमक प्रोड्यूस्ड. दे हेल्प टू ब्रेक डाउन द फूड इंटू स्मॉलर पार्टिकल्स. और ये हेल्प करता है ब्रेक डाउन हमारे फूड को करता है, टू हेल्प ब्रेक डाउन फूड इंटू छोटे छोटे ज़र्रात में. मतलब ये जो जूसेज हैं ये हमारे फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं इंटू वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. ओके, द स्टमक मसल्स हेल्प टू चर्न द फूड. स्टमक के जो मसल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं टू चर्न द फूड, एंड मिक्स इट विद द जूसेज, एंड देन दे मिक्स इट विद द जूसेज एंड एसिड्स. ओके, द एसिड किल्स हार्मफुल जर्म्स कॉल्ड बैक्टीरिया. और फिर वो एसिड जो है वो हार्मफुल जर्म्स जो होते हैं उनको किल कर देता है, जैसे कि बैक्टीरिया. एंड हेल्प्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन. और जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उसको डाइजेस्ट कर लेता है यानी कि उसको डिसॉल्व कर लेता है. नाउ कम टू नंबर फाइव, द फूड पासिस फ्रॉम द स्टमक. अब स्टमक से फूड पासिस होता है थ्रू अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन. दिस इज़ द लॉन्ग ट्यूब, इट इज़ कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, एंड देन इनटू अ शॉर्टर बट वाइडर कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन. और फिर शॉर्टर होती है ये, बट ये बड़ी चौड़ी होती है और इसे कहते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन मोर डाइजेस्टिव जूसेज मेक टू फूड सॉफ्टर. स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे अलग अलग तरह के डाइजेस्टिव जूसेस एंड एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं जो हमारे खाने को सॉफ्टर कर देते हैं, सॉफ्टन. द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर वेरी थिन. और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं, दीज आर द ट्यूब्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स, एंड देयर वॉल्स आर वेरी थिन, बहुत ज़्यादा पतली होती हैं, बहुत ज़्यादा थिन होती हैं. ओके, now the last one, large intestine. As I told you, this is a short tube but it is wider and it is called large intestine. Some of the things you eat cannot be digested. So बहुत सारी चीज़ें जो हम खाते हैं वो digest नहीं हो पाती हैं, they pass to the large intestine. तो वो फिर last stage जो है वो कहाँ चली जाती हैं, हमारे large intestine में चली जाती हैं. हेयर वाटर इज एब्जॉर्ब, जहाँ पानी एब्जॉर्ब हो जाता है उस फूड में से, फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड एंड फाइबर, एंड द सॉलिड पार्ट ऑफ इट इज सेंट आउट ऑफ द बॉडी एज फीसेस थ्रू एन एनस. अब क्या होता है कि जितना जो फूड है वो, जितने प्रोटीन्स हैं वो एब्जॉर्ब हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन अब इट पासिस थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, सारा पानी, फाइबर वगैरह जो है वो फूड में से एब्जॉर्ब हो जाता है, और इसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, जो अननेसेसरी थिंग्स होती हैं वो पास आउट हो जाती हैं
थ्रू एनस फ्रॉम आवर बॉडी पार्ट एज अ फीसिस की शक्ल में थ्रू इट्स एनस, वो हमारी बॉडी में से पास आउट हो जाती हैं थ्रू एनस. ओके, तो दीज आर द सम पार्ट्स ऑफ डाइजेशन. ओके, फर्स्ट वन इज आर माउथ, देन सेलिवरी ग्लैंड्स, थ्रोट, विंड पाइप, ओके, देन स्टमक, देन लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड द लार्जेस्ट वन इज लार्ज इंटेस्टाइन. डू यू नो स्टूडेंट्स दिस स्मॉल इंटेस्टाइन, एज आई शो यू इन दिस पिक्चर, दिस इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज नॉट स्मॉल, ये छोटा नहीं होता बिल्कुल भी, एट ऑल. अगर इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है, इट डजेंट मीन कि इट इज़ वेरी स्मॉल. ओके, इफ़ स्ट्रेटन आउट, अगर इसे सीधा किया जाए, इन ट्यूब्स को सीधा किया जाए, इट विल मेजर एज लॉन्ग एज 6 meters. तो अगर हमें इसको स्ट्रेट करेंगे तो इसकी जो लंबाई है वो हम मेजर कर पाएंगे एज 6 meters. तकरीबन ये 6 meters जितनी इनकी लंबाई होगी, किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की. ओके, नाउ वी रीड अबाउट पैनक्रियाज, लिवर्स एंड गॉल ब्लैडर. व्हाट आर पैनक्रियाज, लिवर एंड गॉल ब्लैडर, एंड आई शो यू इन दिस पिक्चर. What are, this is liver. Okay, these pancreas, these are pancreas, and this is the green part, as you see, this is gallbladder. Okay, I'll repeat, the liver, pancreas, and the green one is the gallbladder. Okay, now come to the topic. There are also 3 other important organs in your body. ये 3 और important organs हैं आपकी body में, which help with digestion, जो आपके digestion के process में आपकी मदद करते हैं. These are the pancreas, कौन कौन है वो, pancreas, liver and gallbladder. Okay, the pancreas is a long flattened organ. Pancreas जो है वो एक long लंबा flattened organ है, located in the belly. Belly यानी कि हमारे पेट में, that helps to break down food by producing digestive juices. इसका काम क्या है, इसका function क्या है, it break down food by producing digestive juices that break down fats, जो हमारे food में से fats को क्या कर देता है, break down कर देता है. These juices enter the intestine through the small tube, और फिर ये juices enter होते हैं हमारे small intestine में through the small tubes. Small tubes के ज़रिए हमारे small intestine में enter कर जाते हैं. ओके, द लिवर हैज़ मैनी फंक्शन, लिवर जो होता है हमारा, उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं. इट हेल्प्स टू फिल्टर द ब्लड, ये हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, प्योरीफाई करता है, एंड इट स्टोर्स फूड, और फूड को स्टोर फूड एनर्जी, और फूड एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. किसकी फॉर्म में, यस, ग्लूकोज. इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंडुलर ऑर्गन. ओके, ये एक सबसे बड़ा ग्लैंडुलर ऑर्गन है इन द बॉडी. इट प्रोड्यूसेस अ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल, और इसमें ऐसे एक डाइजेस्टिव जूस जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिसे हम कहते हैं बाइल. ओके, द बाइल इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, और ये बाइल कहाँ स्टोर होता है, ये जो जूस डाइजेस्टिव जूस है, विच इज़ नोन टू बी बाइल, इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. एंड When needed, और जब ज़रूरत पड़ती है, released into part of the small intestine. Okay, और ये जब ज़रूरत होती है तो वो release होता है और move forward करता है, move through करता है from the parts of small intestine. Okay, again I'll show you these organs, the liver, pancreas and the gallbladder. Eating habits. What are eating habits? Follow these rules and you will find that your digestive system works well. अगर हम इन rules को follow करेंगे तो हमारा digestive system जो है वो सही तरीके से काम कर सकेगा. Okay? Number one, eat regularly and at fixed time. रोज़ाना एक जो है वो परमानेंट, एक टिपिकल, मतलब एक ख़ास टाइम पे जो है वो खाना खाना चाहिए. ईट रेगुलरली, रोज़ाना खाना खाना चाहिए एट अ फिक्स टाइम, और एक पर्टिकुलर टाइम पर खाना चाहिए. ये नहीं कि कभी सुबह खा रहे हैं तो कभी दोपहर देर से खा रहे हैं तो कभी जल्दी खा रहे हैं, नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम पे डेली
खाना खाना चाहिए. गो टू द टॉयलेट एवरी मॉर्निंग, रोज़ सुबह उठकर टॉयलेट जाना चाहिए. ओके. नंबर थ्री, ईट अ बैलेंस्ड डाइट विच इंक्लूड्स फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. ओके, ईट अ बैलेंस्ड डाइट. नाउ व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट? What is balanced diet? Yes, a balanced diet means eating the right variety of food in the right amount. As I told you in the last chapter, the definition of balanced diet, eating a right variety of food in the right amount. Okay, eating a balanced diet help us to be fit and healthy. Okay, these are all the things included in our balanced diet: grains, bread, rice, potato, corn, spaghetti, porridge, cereals. There are lots of green vegetables, fruits are all included in our, we should include in our balanced diet. Okay, now the fourth point, make sure that the food you eat is clean and well cooked. ये बात अच्छी तरीके से ध्यान रखें कि जो भी खाना आप खा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा क्लीन हो, हाइजेनिक हो और बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पका हुआ हो, वेल कुक्ड हो, कच्चा ना हो. ओके. वॉश योर हैंड्स वेल बिफोर ईटिंग एनीथिंग. कुछ भी खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरीके से साफ़ कर लें, अच्छी तरीके से धो लें. डू नॉट रन अबाउट, स्टैंड और बिकम एक्साइटेड वाइल ईटिंग. खाना खाते वक्त ना भागें, ना चलें, ना खड़े रहें, बस सुकून से बैठ के आराम से खाना खाएं. ओके. नैन, च्यू योर फूड वेल. अच्छी तरीके से चबा के खाना खाएं, खाने को जल्दी जल्दी ना निकलें पूरे पूरे पीसेज में, उसको अच्छी तरीके से दांतों से चबा के खाएं. ओके. ताकि वो अच्छी तरीके से आगे डिजॉल्व हो जाए. रिंस योर माउथ आफ्टर योर ईट. और जब आप खाना खा लें तो अपने माउथ को अच्छी तरीके से धो लें, साफ कर लें. ओके. दीज आर सम गुड हैबिट्स विच यू शुड फॉलो टू हैव अ हेल्दी लाइफ. ओके. दीज आर द रूल्स. यू विल फाइंड दैट योर डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क्स वेल. ओके.